हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजे। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जहां पर आपको इंडियन सिनेमा के बेस्ट एक्टर देखने को मिलेंगे और यहां मल्टी स्टारर मूवी होने वाली है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बेल पारी के बारे में, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं शंकर, जो कि काफी जाने माने डायरेक्टर हैं। और वो यह चाहते हैं कि एक अच्छे लेवल पे, ब्लॉकबस्टर लेवल पे इस मूवी को डायरेक्ट की जाए। और जब से मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी का अनाउंसमेंट शेयर किया है, यानी कि बेल पारी का, तब से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और यहाँ मूवी तमिल नॉवेल पे बेस्ड होने वाली है, जिसमें आपको काफी बिगेस्ट एक्टर दिखाई देंगे। बेलपारी मूवी का काफी हेवी बजट रखा गया, यानी कि 1000 करोड़ के बजट में इसे बनाया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कि इतने बिग बजट में बनाया जाएगा तो किस लेवल के एक्टर इसमें कास्ट किए होंगे। और बेलपारी मूवी में इंडियन सिनेमा के 4 एक्टरों को कास्ट किया गया है। जी हाँ, वो भी हम आपको बता देते हैं। सूर्या जो कि है कॉलीवुड से, उसी के साथ साथ रामचरण जो कि है टॉलीवुड से, और वहीं पर यश सर यानी कि रॉकिंग भाई वो है सैंडलवुड से, और बॉलीवुड के रणवीर सिंह भी आपको बेलपारी में नजर आएंगे एज अ कास्ट। और इस मूवी को 3 पार्ट में बनाया जाएगा। 1000 करोड़ रुपीस का इसका बजट रखा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का हेवी बजट रखा गया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है मूवी के मेकर्स के द्वारा कि इसका शूट भी बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो जनवरी 2023 का इसका शूट भी स्टार्ट हो जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये मल्टी कास्ट काफी हाई लेवल की, उसी के साथ साथ काफी हाई लेवल का इनका एक्टिंग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि शंकर सर ने कितने हेवी कास्ट को कास्ट किया है बेलपारी में, जहां पर आपको इसे मल्टी स्टारर देखने को मिलेंगे जो कि हैं 4। और आप खुद जानते हैं काफी ब्लॉकबस्टर एक्टरों में से एक हैं ये सब। मेरे पास तो कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मूवी में इस लेवल के मतलब कि एक्टर दिखाई देने वाले, मतलब कि एक्टिंग का लेवल ही तगड़े लेवल का होने वाला है। और जब वो ऑन स्क्रीन आएंगे ना, तो लिटरली धक 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 इस लेवल का वाइब आने वाला है जब भी उन्हें ऑन स्क्रीन पर देखा जाएगा। और अगर शंकर सर ने मूवी का 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, उसी के साथ साथ 3 पार्ट में इसे बनाएंगे, तो सोचिए कि मतलब इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सारे ताले टूटकर अलग हो जाएंगे। और जब से शंकर सर की मच अवेटेड मूवी बेलपारी का अनाउंसमेंट सुना है ना, लिटरली मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है मल्टी कास्ट को एज अ बेलपारी में देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो या न्यू अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आकर मैसेज कर सकते हैं या फिर क्यूरी कर सकते हैं कोई भी मूवी के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।